चल ब्रेक करीने पावर बटन दबाशो तो रिसेट होता है। भाई मजा आ गया है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का। इतना स्मूथ लगता है ना। यहाँ से जो आप देख रहे हो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी ये राइड मोड पे है, ये स्पॉट मोड पे है, तो इसमें बता रहे कि 35 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, 58% उसका चार्जिंग है। फिर एफ मोड पे है जिसमें यहाँ पे 30 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, अभी इसका 58% जो है चार्जिंग है। सो अभी हम दोबारा जो है यहाँ से स्पॉट मोड से निकल के राइड मोड में इको मोड में आ जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा टर्न ले लेते हैं। सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, सो आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। सभी हम यहाँ पे बार बार एक बार जो है मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के लिए आपको रेस एक्सीलेटर छोड़ देना है। सभी हमने यहाँ पे मोड चेंज किया है, राइडिंग मोड कर दिया है, तो जिसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा। इसमें CBS ब्रेकिंग सिस्टम है। अभी ये स्पॉट मोड में आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पॉट लिख के आया है। मिरर का थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर वहाँ से टर्न लेंगे। हाँ, पिकअप बहुत बढ़िया है, राइड में एकदम कंफर्ट है। सीटिंग पोस्चर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आई होप सो के कैमरा जो है आपको पूरा दिख रहा होगा। सभी एक बार हम थोड़ा यहाँ पे छांव में रुक के एक बार आपको मैं इसका थोड़ा लुक दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखता है, तो एक बार आप उसका ज़रा थोड़ा लुक देख लो। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, अभी ये स्पॉट मोड में है, ये हमने इसको राइड मोड था, अभी हमने इको मोड किया है। तो एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, वो आप देख लो। इतना जैसा सोचा था उतना हाई नहीं है, इसमें डिस्क ब्रेक आता है। ये बच्चा देखो ऊपर चढ़ के बैठ गया है। साउंड भी काफ़ी अच्छा है। सभी दोबारा चलते हैं शोरूम पे। सभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इको मोड में है। तो इसमें जो पार्क असिस्टेंट ऑप्शन है ना, वो बहुत अच्छा है कि अगर आपको पार्किंग में दिक्कत हो रही है तो अगर आप पार्क असिस्टेंट मोड करते हो सो गाड़ी रिवर्स में जाती है, तो आप आगे पीछे करने में इजी रहता है। तभी हमको यहाँ से राइट में जाना है लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, सो हम थोड़ा वेट करेंगे। मिरर को थोड़ा सेट करना पड़ेगा क्योंकि मिरर से प्रॉपर बैक साइड का दिख नहीं रहा है। सो अभी हम जो है यहाँ से राइट में निकलेंगे, ट्रैफिक पूरा निकल गया है। इंडिकेशन भी हमको दिखा रहा है। सो ऑन सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी ये जो इको मोड में यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, प्लस इसमें नेविगेशन सिस्टम है, तो हमको अलग से फ़ोन में गूगल मैप सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम मोड चेंज करते हैं यहाँ से। अभी ये राइड मोड हो गया, तो इसमें आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा मिलेगा राइड मोड में। स्पॉट मोड में आपको पता ही है कि स्पॉट मोड में जाने के बाद जो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है,
लेकिन सामने आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए। सो मेरे हिसाब से अगर सिटी राइड करना है तो इकोनॉमी जो मोड है वो सबसे बेस्ट है। सो अभी हमारा डेस्टिनेशन जो है आ गया है, तो हम यहाँ से इंडिकेशन दिखा देते हैं। सो बहुत ही अच्छा है, 1,45,000 इसका ऑन रोड प्राइस है अहमदाबाद में। आपके स्टेट में, आपकी सिटी में चेक कर सकते हो कि उसका प्राइस कितना है। साउंड भी काफ़ी अच्छा है इसका। सो अभी हम वापस आ गए शोरूम पे।